हे गाइस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूं गाइस। तो गाइस आज के वेदर को देख के आप गैस कीजिए कि आज के वीडियो में क्या होने वाला है। आई नो गाइस आप लोगों ने गैस कर लिया होगा क्योंकि मैंने थंबनेल में मेंशन किया हुआ है कि आज मैं कहाँ जाने वाला हूँ। और जो लोग गैस नहीं कर पाए हैं कि आज मैं कहाँ जाने वाला हूँ उनको मैं बता देता हूँ। आज मैं जाने वाला हूँ गाजियाबाद के बेस्ट हाईवे पर, और वो हाईवे है हिंडन एलिवेटेड रोड। जी हाँ गाइज आपने सही सुना, आज मैं जाने वाला हूँ हिंडन एलिवेटेड रोड पर। आप इसको हाईवे भी बोल सकते हैं, एलिवेटेड रोड भी बोल सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप वो बोल लीजिए इसको। और गाइज आज हिंडन एलिवेटेड रोड पर जाने के दो रीज़न है। पहला रीज़न आज का वेदर है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा वेदर हो रहा है। और ऐसे वेदर में अगर आपने व्लॉग शूट नहीं किया तो इसमें आप ही का लॉस है, क्योंकि इतनी ईजिली नहीं आता है ऐसा वेदर जैसा आज हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग शूट कर लिया जाए। और इतने प्यारे मौसम में मैं सोच रहा था कि एक लॉन्ग राइड पे चला जाए, तो एलिवेटेड रोड से अच्छी राइड हो ही नहीं सकती है आज के दिन। तो मैं निकल आया हूँ आज हिंडन एलिवेटेड रोड पर जाने के लिए। और दूसरा रीज़न है आप लोग गाइज आप लोगों का भी मन करता होगा राइड पर जाने के लिए, लॉन्ग राइड, शॉर्ट राइड, किसी भी राइड पर जाने के लिए। बट दिल्ली या गाज़ियाबाद में ऐसा कोई स्पेस है नहीं जहाँ पे आप लॉन्ग राइड पे या शॉर्ट राइड पे जा सकते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक रोड ऐसा भी दिखाया जाए जिसमें आप लॉन्ग राइड पर या शॉर्ट राइड पर जा सकते हैं किसी के साथ भी। तो इन दो रीज़न की वजह से आज मैंने ये व्लॉग शूट किया है। तो गाइज आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरे से कोई भी बात करनी हो, कोई भी बात बतानी हो, कुछ भी पूछना हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, और वहाँ आप मेरे से जो भी पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं। गाइज जो हिंडन एलिवेटेड रोड है इसकी खास बात ये है कि ये सिग्नल फ्री है, ट्रैफिक फ्री है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा आपको। आपकी जो कार है या बाइक है वो बिल्कुल स्मूथ चलेगी, एक कांस्टेंट स्पीड पे चलेगी। और अगर आप थोड़ा सा बाइक को भगाना भी चाहते हैं तो भी आप भगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सेफ रोड है ये। जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं, मैं अगर इस रोड पे अपनी बाइक भगाना चाहूँ तो मैं भगा नहीं पाऊँगा। एक तो ट्रैफिक और ऊपर से रेड लाइट्स बहुत हैं यहाँ पे, एंड बैरिकेटिंग, तो ये सब रहता ही है नॉर्मली हर सिटी में। वैसे तो ये रोड भी अच्छा लग रहा है बाइक को भगाने के लिए, बट ऐसे जो कट्स हैं बीच बीच में आप ये देख सकते हैं, ये वाले जो कट्स हैं इनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोई भी बीच में आ सकता है। तो आप रिस्क ना लें, ऐसे ही किसी हाईवे पे जाइए जहाँ पे आप इजीली बाइक को भगा सकते हैं या बाइक राइड एंजॉय कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि वहीं जाके सब कुछ कीजिए, ऐसे मेन जो रोड हैं उन पर ना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर करना थोड़ा सा रिस्की भी रहता है आपके लिए भी और जो बीच में क्रॉस करते हैं उनके लिए भी। तो दोनों की सेफ्टी के लिए आप कोशिश कीजिए वहीं जाइए और वहीं आप राइड एंजॉय कीजिए, अपनी बाइक को टेस्ट कीजिए। गाइज ये जो एलिवेटेड रोड है वो गाज़ियाबाद की दो मेन लोकेशन को कनेक्ट करता है, इंद्रपुरम और राजनगर एक्सटेंशन। जो लोग गाज़ियाबाद में रहते होंगे उनको पता होगा कि ये जो दो लोकेशन है ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाज़ियाबाद के लोगों के लिए। यहाँ से बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं। और अभी जो हम एंट्री लेने वाले हैं एलिवेटेड रोड पर वो इंद्रपुरम वाली एंट्री है, और इसको दिल्ली गेट भी बोला जाता है। तो अभी हम एंट्री लेने वाले हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा ये एंट्री है एलिवेटेड रोड के लिए। गाइज आप देख सकते हैं, वेलकम टू हिंडन एलिवेटेड रोड गाज़ियाबाद। तो अभी हम एंट्री कर चुके हैं एलिवेटेड रोड पर, आप देख सकते हैं कितना खाली रोड है, और इसमें सिग्नल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। तो यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं, अगर बाइक चलाने के शौकीन है तो बाइक राइड इंजॉय कर सकते हैं, और अगर कार चलाने के शौकीन है तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज अब बातें कम करेंगे और अपनी राइड इंजॉय ज़्यादा करेंगे, तो चलिए गाइज राइड इंजॉय करते हैं। गाइज हम में से ही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सीधी रोड पर रॉन्ग साइड आते हैं, और जिनकी वजह से ऐसी रोड्स पर भी रिस्क बढ़ जाता है एक्सीडेंट होने का।
तो इनको तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, बट आप लोग ध्यान दीजिए, तो ऐसे रॉन्ग साइड मत आइए और इस तरह के हाईवे पर तो बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग अच्छी खासी स्पीड में चलते हैं और आप खुद को भी रिस्क में डालोगे, साथ ही साथ सामने से जो आ रहा है उसको भी रिस्क में डालोगे। अगर आपने गलत टर्न ले लिया है, आप इस रोड पे नहीं आना चाहते थे, तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, आप जाके यू टर्न लेके कहीं से आ जाइएगा अगर उस रोड पे यू टर्न है तो। बट रॉन्ग साइड मत लीजिए, क्योंकि उसमें आपको भी खतरा है और पीछे से कोई आ रहा हो तो उसे भी खतरा है। गाइस, ये जो रोड है ये 2018 में बन के तैयार हो गया था और तब से अब तक ये एज इट इज़ है, यहाँ पे कोई क्रैक्स नहीं आए हैं रोड पर, क्योंकि हम जो देखते हैं अपनी लोकेलिटी की जो रोड होती है उसमें कुछ टाइम बाद ही क्रैक्स आने चालू हो जाते हैं, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं 2018 में भी यहाँ आया था और अब भी यहाँ आया हूँ, मेरे को एज इट इज़ दिख रहा है ये रोड, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस रोड का। और गाइस, जो लेंथ है इस रोड की वो 10.3 किलोमीटर की है, बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अगर आप 5-10 मिनट्स की राइड करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं यहाँ पर। एंड गाइस, इस एलिवेटेड रोड के बनने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि इंद्रपुरम से राजनगर एक्सटेंशन जाने में पहले मोर देन 30 मिनट्स लगते थे और अब विद इन 5 or 7 मिनट्स आप इंद्रपुरम से राजनगर एक्सटेंशन पहुँच जाते हैं। तो जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इस रोड के बनने से, और साथ ही साथ उन लोगों को भी इस रोड से बेनिफिट हुआ है जो इन लोकेशन को क्रॉस करके जाया करते थे, उनके लिए भी काफ़ी टाइम बचेगा और यूज़फुल भी रहेगा वो टाइम। गाइज, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इस रोड पर बाइक चलाने में, एंड आई होप आप भी राइड इन्जॉय कर रहे होंगे। गाइज, मैं आप लोगों से एक बात बोलूँगा कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं रहते हैं तो इस रोड पर ज़रूर आइए और एक बार बाइक राइड ज़रूर करके देखिएगा, आपका यहाँ आना वर्थ होगा। तो गाइज, अब हम एग्ज़िट ले रहे हैं हिंडन एलिवेटेड रोड से, ये राजनगर एक्सटेंशन है और यहाँ से हम एग्ज़िट ले रहे हैं इस रोड से। सीरियसली गाइज, जो लेंथ है इस रोड की वो 10.3 किलोमीटर है, बट मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मैंने कब 10 किलोमीटर क्रॉस कर दिए हैं। आई थिंक मुझे 5 मिनट लगे होंगे ये रोड क्रॉस करने में, बट वो 5 मिनट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे, मेरे को बहुत ही मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय की है। गाइज, मुझे लगता है बारिश होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी अब घर पहुँचते हैं और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये व्लॉग मज़ेदार लगा होगा, और अगर मज़ेदार लगा है तो लाइक शेयर कॉमेंट कर देना, एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। गाइज, मुझे आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।